आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के कुरी पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ हमारी मुलाकात दीनानाथ राय, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जब मैंने पता लगाया तो ये लोग अब बेहतर स्वभाव के हैं। इनके जो पुराने पूर्वज हैं उनके बारे में भी पता चला कि काफ़ी अच्छे स्वभाव के, कोई तरह का घमंड नहीं। वो यहाँ के मुखिया बने हैं पहली बार, उन्हीं से जानना चाहते हैं इनके पंचायत में नल जल की स्थिति कैसी है और इंदिरा आवास की भी स्थिति के बारे में जानेंगे। हमारे चुनाव से पहले तो मुठमई सब नल जल का स्थिति बहुत खराब ही था, सब बंद पड़ा था, लेकिन 17 नल जल की योजनाएं हमारे पंचायत में है, जिसमें से लगभग हम लोग 15 योजना को मरम्मती करा दिए और लगभग वो चालू 15 चालू है, एक दो और बाकी रह गया है, वो 2-4-8 दिन में हो सकता है कि चालू हो जाए। हम लोग कार्य प्रगति पर है। और आपके यहाँ जो इंदिरा आवास है उसमें ST SC जो है, जी जी ST SC, उसमें भी बहुत सारी चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि हमारे यहाँ जो है 93-104 लिस्ट था, जिसमें जाँच उच में कुछ कट गया, 93 फाइनलाइज हुआ, 93 में 20 SC कोटा था, हमने 200 SC कोटा को पेमेंट करा दिया, जिसमें से 6 को भूमि नहीं था तो भूमि आवंटन के लिए भी प्रक्रिया चल रहा है, जो ही भूमि का आवंटन हो जाएगा 6 और बाकी 6 लोगों को भी खाते में पैसा चला जाएगा। और गली नली की क्या जी, गली नली का भी हम लोग काम धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं, अभी तो 6-7 महीना हुआ हम लोगों का मुखिया बने हुए, लेकिन फिर भी एक योजना मझियाँ मेन रोड से काली स्थान, लीलारी में भी मेन रोड से कुटिया तक, और कुछ बीच में भी गली नली का काम हुआ है, नली का भी 2-3 काम हुआ है, प्रोग्रेसिव है। और कहना ये था कि आपके यहाँ पंचायत जो है उसमें कौन कौन से गांव आते हैं? जी, हमारे पंचायत में कुरी, लीलारी, मझियाँ, नावाडी, मेयारी, ईश्वरपुरा, ये सब गांव हैं, 2-3 टोला भी और है। और कितना वार्ड कितने हैं? 15 वार्ड है हमारे पंचायत में, 15 वार्ड। और अपने पंचायत वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं, 15 अगस्त आ रहा है, देश के स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं हंसी खुशी से, हर्षोल्लास से, तो हम सरकार के मुहिम है, प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का आह्वान का हम लोग पालन करें और 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा जो अभियान है उसको हम लोग सफल करेंगे। और सभी पंचायतवासियों से अपने मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी 15 अगस्त के इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं और अपने हर घर में झंडा को उस दिन लहराने का आप काम जरूर करें, यही मेरा आप सभी से। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं नागपंचमी के अवसर पर अपने पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और निरोग रहें, अमन चैन से रहें, समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें, यही मेरी आपसे आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया दीनानाथ राय जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।